إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً موزة السامين ديني وملي بهيو بزرقو ودوستو فردان الشين إسلامي ماور ور بهنو تمام قسم كتاليفات حمد و ستائش अजमतों की बयाई तहमीद व तकदीस उस खालिक कायनात मालिक अर्दो समा और मदब्रसा के लिए है जो हम तमाम इंसानों का और कायनात की जर्रा जर्रा चीज़ों का मालिक मुरब्बी और पालनहार है व सलाम हो उस मुकद्दसा मुबारक मुतहरा पर जिसका नाम नामी इसम गी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल अल्लाह वसल्लम है जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर हक को बातिल से नूर को तारिकी से और हिदायत को गुमराही से छट कर नुमाया और वादे कर दिया अल्लाहुम्मा अल्ला मसलआला महमद वाल महमद कम सल तला इब्राहिम वालब्राहिमान्नक हमीद मजीद अल्लाम मबारिक महम्मद वाला अली महमद कम बारक अला इब्राहिम वाल अल इब्राहिम इन्मदुम मजीद मद साम खब मसून के बाद मैंने आपके सामने सुरानफ़ाल सरा नंबर आठ आयत नंबर बासठ और तिरसठ की तिलावत की है इस मुनासिबत से आज के खुब जुमह का मौजू है लोगों का दिल कैसे जीते किसी शायर ने क्या खूब कहा है यही है इबादत यही दीन व ईमान यही है इबादत यही है दीन व ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान मौज़ सामाइन मौजू है लोगों का दिल कैसे जीतें इस्लामी भाइयों इस्लाम एक माशरती दीन है और हम और आप देखते हैं कि दुनिया में दुनिया के अंदर आम तौर पर और खसूस तौर पर समाज और सोसाइटी में एक चीज़ कॉमन है एक चीज़ जो है कॉमन है वो क्या है कि आपसी अख्लाफा आपसी रंजिश आपस में बात न करना इख्तलाफ़ करना पड़ोसी से बात नहीं एक इंसान का उसके बाप से बात नहीं माँ से बात नहीं करता ये चीज़ जो है बहुत सारे बहुत जगहों पर नज़र आती है और ये चीज़ हमारे समाज और माशरे के अंदर पाई जाती है जबकि इस्लाम ने रबत तो जब्त मेल जोल रखने की तलकीन की है और रहबानियत से दूरी रखने से इख्तलाफ और इंतशार से इस्लाम ने हमें मना किया है इस्लामी भाइयों अल्लाह आलमीन ने कुर मुकद्दस के अंदर अपने नबी को खिताब करते हुए कहा बिनस्रिही वबिल वमिन ऐ नबी आपको आपकी हमने मदद की है और मदद करके हमने आपको ताकत बख्शी है आपको हिम्मत दी है आपको हौसला दिया है वमिन और आपके ऊपर जो ईमान लाए सहब कर राम भी सहाबे के राम के जरिए से हमने आपकी मदद की है सहब के राम के जरिए से आपको हमने ताकत दी है आपको क़त बख्शी है व्लफ़ी नम ए नबी हमने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा की है उनके दिलों में मोहब्बत को डाला है आपकी बेसत से पहले ये तमाम के तमाम लोग आपस में दुश्मनी इख्तियार किया करते थे एक दूसरे से बात नहीं करते थे इख्तलाफ व इंतशाल इतना था कि एक दूसरे के जान के ये लोग जो है एक दूसरे के जान के पीछे लगे हुए थे आपस में इख्तलाफ इतना ज़्यादा था कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे लेकिन जब आप आए आपके आने के बाद वह अल्लाह अबैी क़ुलूबीम हमने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी उनके दिलों में मोहब्बत को डाल दिया लौअवा फिल जमिया मा अल्लाफ तबैना क़ुलूबीम नबी अगर आप ज़मीन के तमाम ख़जानों को लुटा दें ज़मीन के तमाम ख़जानों को आप जो है खर्च कर दें फिर भी आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते उनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते आप ज़मीन के तमाम ख़जानों को खर्च कर दें ज़मीन के तमाम ख़जानों को लुटा दें फिर भी आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते क्यों वाला किन अल्लाह अल्लाफा बीन इसलिए कि मोहब्बत का पैदा करने वाला दिलों में मोहब्बत को उतारने वाला अल्लाह आलमीन ने अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दिए अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी है इस्लामी भाइयों ग़ौर कीजिए अल्लाह आलमीन ने अपने नबी को ख़िताब किया और कहा कि आए नबी मोहब्बत दिलों में डालना ये आपके बस की बात भी नहीं है अगर आप चाहते दुनिया के तमाम ख़जानों को ख़र्च भी कर देते दुनिया के ज़मीन के तमाम ख़जानों को लुटा भी देते उसके बाद भी आप इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते थे क्यों इसीलिए कि मोहब्बत का डालने वाला मैं हूँ वाला किरल्लाफा बीन अल्लाह आलमीन अल्ला लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है इस आयत करीमा से दो बात मालूम हो रही है एक बात तो ये मालूम होती है कि एक तरफ दुनिया के तमाम दौलत दुनिया के तमाम ख़जाने और एक तरफ लोगों के लोगों का एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे के दिल में मोहब्बत आना ये दो चीज़ है एक चीज़ तो ये हो गई दूसरी चीज़ क्या है कि मोहब्बत का दिल में पैदा करने वाला अल्लाह आलमीन है याद रखिए मेरे भाइयों दुनिया के अंदर एक इंसान पैसे वाला है दौलत का अंबार है लेकिन उस इंसान का वो इंसान अपने बाप से बात नहीं करता अपनी माँ से बात नहीं करता पड़ोसी से उसके मुकदमे चल रहे हैं और अपने भाई से बात नहीं करता उसकी दौलत उसका पैसा कोई फ़ायदा नहीं उसका पैसा बेकार है लेकिन एक इंसान गरीब है गरीब होने के बावजूद भी वो लोगों से मिलता है तो प्यार से मिलता है लोगों से मुस्कुरा के मिलता है लोगों से मोहब्बत के साथ मिलता है बाप से भी बात करता है माँ से भी बात करता है और दुनिया वालों से दुनिया वालों की नज़र में बहुत महबूब है बहुत प्यारा है ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दौलत है और दूसरी चीज़ क्या है दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह आलमीन है अगर कोई इंसान ये सोच ले कि मैं ये काम कर रहा हूँ मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ मेरी वजह से फला के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी ये नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में मोहब्बत ना डाल दे हम और आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते हम और आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं हम और आप सिर्फ़ जिद्दोजहद कर सकते हैं हम और आप उसके लिए काम कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं लेकिन हकीकत में दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है अल्लाह आलमीन इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने इरशाद फरमाया जामे की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस से बयान फरमाते हैं नारी हुर्रमा नारी करीब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उस इंसान पर जन, जहन्नम की आग को अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम करार देगा उस इंसान पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी जो इंसान नरमी इख्तियार करता है खुलुहन लयन जो इंसान लोगों के साथ नरमी के साथ मिलता है और व सहलिन और लोगों के साथ आसानी का मामला करता है वीब उमिन और लोगों से मिलजुल कर रहता है लोगों से ताल्लुकात कायम करता है लोगों से मोहब्बत के साथ रहता है ऐसे लोगों के ऊपर से अल्लाह आलमीन जहन्नम को हराम करार देगा जहन्नम की आग ऐसे लोगों के ऊपर से हराम हो जाएगी इस्लामी भाइयों कितनी बड़ी बात है जहन्नम की आग से बचना है तो इन नेकियों को अपनाना होगा अल्लाह के नबी ने इस इस हदीस के अंदर तीन बातें बयान फरमाई पहली बात तो यह बयान फरमाई कि नरमी इख्तियार करो दूसरी बात यह बयान फरमाई कि अच्छा अखलाक रखो तीसरी बात यह बयान फरमाई कि लोगों के साथ मेल मोहब्बत के साथ रहो लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो ये तीन बातें अल्लाह के नबी ने इस हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाई है मेरे भाइयों अगर ये तीन अमल है हमारे अंदर तो याद रखिए जहन्नम की आग हमारे ऊपर हराम है अब हम अपना जायज़ा लें क्या हमारे अंदर नरमी है क्या हम लोगों के साथ आसानी का मामला करते हैं क्या हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर हैं तो इमाम कायना जनाब महम्मदरसोल्ला सल्ला ने नेरशाद फरमाया हुरमाल्नार अलन्नार उस आदमी पर जहन्नम की आग हराम है इस्लामी भाइयों अल्लाह सालिहाति सयजअलु लहुमुर सैज आलर जो लोग ईमान लाए अमल किए ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल भी करना ज़रूरी है एक मोमिन को ईमान लाने के साथ साथ उसे नेक अमल भी करना है अगर एक मोमिन ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल भी करता है अल्लाह अल्ला रबालमिन ने फरमाया उसकी नेकी की वजह से उसके ईमान की वजह से अल्लाह लोगों के दिलों में उसके ताल्लुक से मोहब्बत डाल देगा मोहब्बत पैदा कर देता है कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों अगर हम मोमिन हैं नेक अमल करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह आलमीन ने बयान फरमाया कि हम उस नेकी की वजह से लोगों के दिलों में उसके ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और याद रखिए इमाम कायनात जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अबू तआला जल्ला रावी हदीस हैं अल्लाह आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है इ अल्लाह तबा रखा इदा अब्बा अब्दन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से महब्बत का इरादा करता है महब्बत करता है नादा जब्रैल जब्राइल अलीसलाद्लाम को पुकारता है आवाज़ देता है ए जिब्राइल इन कद अहब्ब्ब्ब्ब्ब कद अहब्ब्ब्ब्ब्ब फ़ुलानन फ़ाहिब हो जिब्राइल मैं फ़ला बंदे से महब्बत करता हूँ लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो जब्रैल सलात वाम जब अल्लाह का यह हुक्म सुनते हैं उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और उसके बाद आसमान पर जाते हैं आसमान पर फरिश्तों से कहते हैं अ फरिश्तो इन अद हब्बा फुलानन, फाहिबू ए फ़रिश्तो अल्लाह रब्लम उस बंदे से महब्बत करता है लिहाजा तमाम के तमाम फरिश्तो तुम भी उस बंदे से महब्बत करो इसलिए कि रब्बालमीन का हुक्म है अल्लाह रब्लम उस बंदे से मोहब्बत करता है लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम ए फरिश्तो तुम भी उस बंदे से महब्बत करो मेरे भाई गौर कीजिए नेक अमल की वजह से ईमान के साथ साथ नेक अमल की वजह से अल्लाह आलमीन भी मोहब्बत कर रहा है जिब्राइल जब रईलम सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत कर रहे हैं और आसमान में जितने फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत कर रहे हैं उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ज़मीन के उप ज़मीन के अंदर उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है और ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं ज़मीन वालों के दिलों में भी अल्लाह मोहब्बत को उतार देता है और ज़मीन वाले भी लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं मालूम यह हुआ कि अगर दुनिया के अंदर लोग इंसान के अखलाक को देख करके इंसान की नेकी को देख करके और इंसान के आदात अतवार को देख करके अगर मोहब्बत करते हैं तो मुमकिन है अल्लाह भी उससे मोहब्बत कर रहा है मेरे भाइयों कितनी बड़ी बात है आज हम और आप कभी सोचते हैं हम और आप सिर्फ यह सोचते हैं कि चलो मोमिन है मुसलमान हैं और जुमा की नमाज पढ़ लिए तो काफी है जुमा है आठ साठ आठ खाठ तीन सौ साठ यानी एक जुमा की नमाज पढ़ना है और एक जनाजे की नमाज़ पढ़ना है और ईद की नमाज़ पढ़ना है हम मुसलमान हैं काफ़ी हैं याद रखिए मोमिन होने के साथ साथ नेक अमल का होना भी ज़रूरी है अगर नेक अमल होगा तब जा कर के अल्लाह भी मोहब्बत करेगा फ़रिश्ते भी मोहब्बत करेंगे और दुनिया वाले भी ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं मेरे भाइयों इसी लिए इसी लिए कहा जाता है कि इंसान दुनिया के अंदर क्या तलाशता है ये तलाशता है कि जब मैं बाहर से आऊँ तो मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे मेरी औलाद मेरी बड़ी हो जाए तो बाप से मोहब्बत करे माँ से मोहब्बत करे मोहब्बत का हर इंसान मुतलाशी है मोहब्बत ढूंढ रहा है लेकिन मोहब्बत जहाँ ढूंढनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ रहा है मुश्किल इस बात की है कि मुश्किल की मुश्किल को आसान बनाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसका गलत है मेरे भाइयों जिस रास्ते पर चलना चाहिए जहाँ से मुश्किल दूर होती है वो उस रास्ते पर इंसान नहीं चल रहा है और इसी तरीके से इसीलिए आज के खुतबे का जुमा में जुमा में जो मौजू मैंने रखा कि लोगों का दिल कैसे जीतें तो सबसे पहला नुस्खा लोगों के दिल जीतने का सबसे पहला नुस्ख़ा सबसे पहली दवा जो है लोगों का दिल आप कैसे जीत सकते हैं वो क्या है आप भलाई करें एहसान करें आप किसी के साथ अच्छा ने अच्छा काम करें नेक काम करें तो उस एहसान के पीछे कोई गर्ज ना हो कोई मतलब ना हो आज हम और आप कोई काम करते हैं किसी को एक रुपया भी अगर देते हैं तो मतलब होता है गर्ज होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बेलोस बनो बेगर्ज बनो अगर आप एहसान करते हो भलाई करते हो तो बेगर्ज बनो बेलोस बनो आपका उसके पीछे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए आज तो हमारा हाल ये है किसी के साथ एहसान करते हैं अगर कोई बेचारी बेवा औरत है उसकी बच्ची है शादी करवा दिया तो जब तक समाज के अंदर ये बात नहीं उठती कि फला सेठ ने फला आदमी ने इस बच्ची की शादी करवाई है या शोहरत जब तक नहीं पा लेते जब तक याद रखिए वो इंसान चुप नहीं बैठता दस रुपया कहीं अगर चंदा देता है जब तक बोल नहीं देता अगर इंसान किसी के साथ ताउन करता है और जब तक दोस्ती है अच्छे के साथ रहा लेकिन जब दुश्मनी में वो चीज़ तब्दील हुई तो कहता है कि मेरी वजह से तो यहाँ पर खड़ा हुआ मेरी वजह से आज तेरा घर बना मेरी वजह से तेरा कारोबार चला आ एहसान करके एहसान जतलाने वालों सुनो गौर से एहसान करके एहसान जतलाने वालों अगर आप एहसान करके एहसान जतलाते हो तो आपका एहसान आपकी ये नेकी ज़ाय और बर्बाद कर दी जाएगी आपके मुंह पर मार दी जाएगी अल्लाह आलमीन ने इरशाद फरमाया, या इशात फरमायादी आ मनु लातुबिलू वल अदा ऐ ईमान वालो तुम एहसान करके किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ एहसान जतला करके तुम अपने सदका व खैरात को जाय मत करो अगर किसी आदमी ने एहसान करके एहसान जतला दिया तो गोया कि वह उसकी नेकी ज़ाय हो गई और अल्लाह आलमीन ने फरमाया कि एहसान करके एहसान जतला करके तुम उसको तकलीफ़ मत पहुँचाओ उसको तकलीफ़ मत दो यही नहीं मेरे भाइयों अल्लाह के नबी को अल्लाह आलमीन ने मुखातब किया और क्या कहा वला तमन तस्तकसर ए नबी एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश मत करो एहसान करके किसी से ज़्यादा लेने की तमन्ना मत करो ख्वाहिश मत करो आज हमारा हाल क्या है किसी को गिफ्ट भी देंगे ना तो उसके पीछे भी मतलब होता है यार आज गिफ्ट दूंगा, आज अगर शादी में एक आदमी को दावत दूंगा, तो कल हो के हम, हमको भी दावत मिलेगी अगर सौ रुपया दूंगा, तो कल हो के हमको भी दो सौ रुपया मिलेगा ये मतलब ये गर्ज़ हमारा छुपा होता है लेकिन याद रखो मेरे भाइयों जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जब वो एहसान करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता अल्लाह आलमीन ने ऐसे मोमिन बंदों के बारे में कहा वही व यतीमन व नी जब वो किसी भूखे को खाना खिलाते हैं जब वो किसी भूखे का पेट भी भरते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता और उस पेट भरने के पीछे सिर्फ ये गर्ज होता है कि अल्लाह रब्बालमीन मुझसे राजी हो जाए मुझसे खुश हो जाए किसी यतीम की मदद करते हैं तो उसके पीछे भी ये गर्ज़ होता है ये मतलब होता है कि अल्लाह रबालमीन मुझसे राजी और ख़ुश हो जाए अगर ये सोच है कि मैं कोई काम नेक काम कर रहा हूँ और इसके पीछे ये गर्ज़ है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए तो याद रखिए ये अमल आपका बहुत प्यारा है इसीलिए हज़रत साहल बिन साद साद रजी अल्लाह तैन बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल वसम के पास एक शख्स आया उन्होंने पूछा दुल् अल आमिनद आमिल तो अहब बनील्लाब बनीस के नबी हमें ऐसा अमल बताइए इस अमल को करें तो लोग भी हमसे मोहब्बत करें और अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करें क्या प्यारा सवाल है भी कोई सवाल करते तो प्यारा सवाल करते साहबा ने साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जिस अमल को करें तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करें और लोग भी हमसे मोहब्बत करें अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़त फिर दुनिया हिब्बकल्ला तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओ तुम दुनिया की लालच को छोड़ दो दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारो दुनिया के अंदर रहो लेकिन आखिरत की फ़िकर करो दुनिया से बेरगबत हो जाओ कि हिब्बल्ला अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा मेरे भाइयों एक इंसान को दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह रहना चाहिए एक अजनबी बनकर रहना चाहिए एक इंसान को दुनिया के अंदर वैसे रहना चाहिए जैसे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला व्लम ने दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी है कैसी गुजारी है मेरे भाइयों एक वाक़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आज हम और आप अल्लाह के नबी की इतनी सारी बातें सुनते हैं लेकिन आखिर अमल क्यों नहीं होता अमली मैदान में मैं बार बार बोल रहा हूँ अमली मैदान में इतने पीछे इतने पीछे हैं कि मेरे भाइयों अफसोस कीजिए कि अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है ये तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हो रहे हैं हमारी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि अगर अल्लाह पकड़ करना चाहे तो एक सांस भी हम नहीं ले सकते हैं अल्लाह का आजाब फौरन गिरफ्त आएगा और हम उसके अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे मेरे भाइयों गुनाहों से बचिए खताओं से बचिए अल्लाह को राज़ी कीजिए गुनाहों को माफ़ कराइए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का हाल क्या था कुछ सहाब कराम के नबी के पास आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के नबी आप इतने बड़े इमाम नबी रसूल हैं और आप चटाई पर सोते हैं चटाई पर सोने की वजह से आपके पीठ पर चटाई के निशान पड़ जाते हैं हमने देखा कि बहुत सारे बादशाह तो ऐसे हैं जिनका महल बेहतरीन बे, महल बना हुआ है बेहतरीन आलिशान बिस्तर है बेहतरीन नरम गुदाज बिस्तर पर वो सो रहे हैं और वह आलिशान महल में रहते हैं अल्लाह के नबी हमें इस बात ये बात पसंद नहीं आ रही है ये अच्छी नहीं लगती है कि हमारा नबी हमारा इमाम हमारा कायद एक चटाई पर सोए और चटाई के निशान हमारे नबी के पीठ पर पड़े ये हमें अच्छा नहीं लगता है लवि तखस्ता लवि तखसनाल का वन अल्लाह के नबी अगर आप कहें तो हम आपके लिए एक बिस्तरा बेहतरीन बिस्तरा बनवा देते हैं उस बिस्तर पर आप आराम कीजिए मेरे भाइयों ग़ौर कीजिए यह हमारे नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम की कहने की देर थी आपकी परमिशन की देर थी लेकिन जब सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा ऐ अल्लाह के नबी आप कहिए आपके लिए नरम गुदात बिस्तर हम बनवा देते हैं लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया मेरे भाइयों ग़ौर से सुनिए नबी की बात और नबी का अमल हमारे लिए उस्वा, उस्वा नमूना है आइडियल है अल्लाह के नबी ने फरमाया माली वाली दुनिया अरे सहाबा दुनिया में मैं रहकर क्या करूँगा ये दुनिया की तमाम चीजें मेरे लिए बेकार है मेरे लिए कुछ नहीं है ये दुनिया कुछ नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया अना अना दुनिया करा की बिन मैं में दुनिया एक में एक मुसाफिर की तरह हूँ मैं दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ इस तदल्ला थी जो एक आदमी एक पेड़ के साय के नीचे थोड़ा देर आराम करता है आराम करने के बाद फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है यही दुनिया का हाल है दुनिया की रंगीनियों में अगर इंसान पड़ जाए तो याद रखो मेरे भाइयों दुनिया में मस्त हो जाएगा आखिरत को भूल जाएगा अल्लाह को भूल जाएगा आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारी दुनिया बराबर चल रही है एक रुपया भी आगे पीछे नहीं हो रहा है लेकिन एक रुपया कमाने के लिए आज हम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं नबी की तालीमत के खिलाफ हम काम कर रहे हैं कभी हमने और आपने सोचा मेरे भाइयों अगर नहीं सोचते हैं तो याद रखिए हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिस दुनिया को कमाने के लिए आज हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमत की नाफरमानी कर रहे हैं वो दुनिया छोड़ कर जाने वाली है और जिस दुनिया के लिए हमें जीना चाहिए जिस दुनिया की फ़िकर करनी चाहिए उस आखिरत की हम फिकर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इज हद दुनिया हब्बल्ला तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओ अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वहत फ़ीमा इन दन्नास यु हिब्ब करनास तुम दुनिया क... लोगों के दौलत से तुम लोगों लोगों से बेनियाज हो जाओ लोग भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे यानी लोगों की दौलत को देख कर तुम लालच मत करो लोगों के निगाह लोगों के घरों पर तुम निगाह मत रखो लोगों की गाड़ियों पर निगाह मत रखो अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है उसी पर सब्र करो कनात करो मेरे भाइयों इमाम हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के रहने वाले थे याद से सुनिए गौर से सुनिए मेरे भाइयों इमाम हसन बसी रहमत ला बसरा के रहने वाले थे एक देहाती बसरा में आता है और उसने आकर पूछा क्या पूछा कि यहाँ का सरदार कौन है तो लोगों ने कहा कि यहाँ का सरदार इमाम हसन बसी रहमतल्ला आल हैं उसने देहाती ने कहा कि एक इमाम और सरदार ये कैसी बात है ये कैसा हो सकता है आखिर उस इमाम के अंदर वो अच्छाई क्या है जिसकी वजह से वो इमाम गांव का सरदार भी है गांव का इमाम भी है ये कैसे हो सकता है लोगों ने कहा एहताजुल्नासम वो गांव का सरदार इसलिए भी है इमाम इसलिए भी है कि लोग उसके इल्म के मोहताज हैं लोग उसके इल्म सीखने के लिए उसके पास आते हैं और वो दुनिया के लोगों से कि दौलत से बेनियाज है दुनिया के लोगों के दौलत पर निगाह नहीं रखता है दुनिया के लोगों के पास पैसा मांगने के लिए नहीं जाता है माल तलब करने के लिए नहीं जाता बल्कि उसके पास लोग इल्म हासिल करने के लिए खुद चल कर आते हैं दुनिया वालों की दौलत से वो बेनियाज है यही वजह है कि आज वो इस गांव का सरदार भी है और इमाम भी है वो लोगों की दौलत का मोहताज नहीं बल्कि सब लोग उसके इल्म के मोहताज हैं मेरे भाइयों ये पहली चीज़ है अगर लोगों का दिल जीतना है तो भलाई करें एहसान करें लेकिन भलाई और एहसान के पीछे कोई गरज़ ना हो कोई मतलब ना हो बल्कि आप बेगर्ज बने बेलॉस बने बहुत सारे भाइयों की शिकायत ये भी होती है कि अरे हम तो नेक काम कर रहे हैं उसके बाद भी वो आदमी हमारा बुरा सोच रहा है उसके पीछे हमने इतना खर्च कर दिया उसके बावजूद भी वह हमारा बुरा सोच रहा है मेरे भाइयों आपने जो खर्च किया है उसका सवाब आपको मिल चुका है उसकी नेकी आपको मिल चुकी है आप जो चाह रहे हैं जो नेकी करना चाह रहे हैं आपको वो नेकी मिल चुकी है अगर आपने उससे काम लेने के लिए आपने खर्च किया है तो याद रखिए ये बदला आपका दुनिया में होगा आखिरत में नहीं होगा लेकिन अगर आपने खर्च किया इसीलिए कि अल्लाह को राज़ी करना है खुश करना है तो याद रखिए अल्लाह आलमीन के यहाँ इसका अजर आपको मिलेगा ये पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या है हम जब किसी से मिलने जाए ना मुलाकात करने तो आज हम लोग क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद भी किसी से सलाम करना एक एक हफ़्ता दो दो हफ़्ता हो जाता है और अगर किसी से मिलने भी जाते हैं ना तो उसके पीछे भी गर्ज होती है लेकिन याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आप किसी से मुलाकात करने के लिए जाएं तो अल्लाह के लिए मुलाकात कीजिए किसी की ज्यारत कीजिए अल्लाह के लिए ज्यारत कीजिए कोई बीमार है उसको देखने के लिए जाइए तो अल्लाह को खुश करने के लिए जाइए अल्लाह के नबी ने इर्शाद फरमाया क्या इर्शाद फरमाया अल्लाह के नबी ने इर्शाद फरमाया कि एक इंसान जब अपने भाई से मिलने के लिए जाता है तो रास्ते में अल्लाह आलमीन एक फरिश्ते को बिठा देता है उस इंसान से जब फरिश्ते की मुलाकात होती है फरिश्ता कहता है कहाँ जा रहे हो वो इंसान कहता है फला गांव में मेरा भाई है सगा भाई नहीं ईमान वाला भाई मोमिन भाई मेरा भाई है उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ उसकी ज्यारत करने के लिए जा रहा हूँ फरिश्ता कहता है क्या तुम्हारा उसके ऊपर कोई एहसान है या कोई कर्ज देने जा रहे हो कोई पैसा बाकी है कहता नहीं मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए मेरा भाई बीमार है मेरा भाई परेशान है उसकी परेशानी पूछने के लिए जा रहा हूं मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं ताकि इसके मिलने से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए फरिश्ता कहता है कि मेरे भाई मैं अल्लाह की तरफ से कासिद हूं फरिश्ता हूं अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरा नेक बंदा नेक काम के लिए जा रहा है जाओ उससे मुलाकात करो कहो जिस काम के लिए तुम जा रहे हो जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो जिसके खातिर कर रहे हो वो अल्लाह आलमीन भी उस इंसान से मोहब्बत के खातिर अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है मेरे भाइयों क्या ये चीज़ हमारे अंदर है ये नेकियां हमारे अंदर है ये सिफत हमारे अंदर है अगर हम किसी के घर पे कदम भी रखेंगे तो हमारा गर्ज होगा हमारा मतलब होगा कोई भाई बीमार है चलो हमारे ख़ानदान का थोड़ी ना है, हमारे घर का थोड़ी ना है, अरे मेरे भाई हमारा ईमान वाला भाई तो है मोमिन भाई तो है आप उसके घर पे चले जाएंगे, उसको दिलासा देंगे उससे मोहब्बत करेंगे तो याद रखिए अल्लाह आलमीन आपसे मोहब्बत कर रहा है अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा है और जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे उसके लिए दुनिया अच्छी है कि नहीं आखिरत भी अच्छी है दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी मेरे भाइयों इसी तरीके से लोगों का दिल जीतने का एक तरीक़ा ये भी है कि आप जब किसी से मिलें तो खंदा पेशानी से मिलें मुस्कुरा कर मिलें लोग बोलते हैं मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता मैं कहता हूँ मुस्कुराने पर टैक्स लगना तो दूर की बात है मुस्कुराने पर नेकी मिलती है ये मुस्कुराना सदक़ा में शुमार होता है अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तहकिर नारूफी सैया अय मेरे अ मेरे उम्मत के लोगों किसी नेकी को तुम हकीर मत समझो अगर कोई आदमी अगर कोई गरीब एक रोटी भी आपको प्यार से परोस रहा है दे रहा है उसको भी कबूल कर लो उसको भी कबूल कर लो मेरे भाइयों ये मत समझो कि उसके यहाँ अगर कोई अच्छी चीज बनेगी वो क्यों नहीं दिया ये क्यों दे रहा है अगर कोई गरीब अगर कोई आपका पड़ोसी अगर अच्छे दिल से नेक नियति के साथ एक रोटी रो, भी आपको दे रहा है उसको खुशी खुशी कबूल कर लीजिए किसी नेकी को छोटा मत समझिए वल तल का का भी वजह तली तलकिन अगर कोई भाई किसी से मुलाकात करता है मुस्कुरा के मिलता है तो ये मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है मेरे भाई नेकी है आज हमारा हाल क्या है हम किसी से सल, 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 सलाम भी करेंगे किसी से बात भी करेंगे तो चेहरे पर अजीब तरह की कैफियत रहती है लगता है कि हमारे चाल ढाल से तकबुराना अंदाज झलक रहा है हम मुतकबर हो गए हैं लेकिन याद रखो मेरे भाइयों लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को नसीहत किया था और कहा था अय मेरे बच्चे वाला तो सा तम शिफिल अर्द महा अय मेरे बच्चे जब तुम किसी इंसान से मिलना तो गाल फुला कर मत मिलना तकबुराना अंदाज में नहीं मिलना तुम्हारे चेहरे पर तकबुर ना हो तुम्हारे लिबास से तकबुराना लिबास ना हो तुम्हारे चाल ढाल से तकबुराना चीज़ झलकती ना हो बल्कि जब तुम किसी से मिलना तो खंदा पेशानी के साथ मिलना और मुस्कुरा कर मिलना लोगों से दिल जीतने का तरीक़ा खंदा पेशानी के साथ रखेंगे तो लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे लोगों से लोगों का दिल जीतने का तरीक़ा एक दो और है मैं बताकर बात ख़त्म करूंगा लोगों का दिल जीतने का तरीका एक ये भी है कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया तो माल के जरिए से आप मदद कीजिए अल्लाह ने आपको बोलने की सलाहियत दी है बात करने की सलाहियत दी है तो अगर आपके बात करने से किसी का काम बन जाता है तो बात करके उसका काम पूरा कर दीजिए अगर आपकी पहुंच है आपका शोर्स है आपकी इज्जत है समाज में आपका मकाम है आप किसी पर फाइज है और उस अहदे और उस मनसब से किसी का काम हो जाता है उसको पूरा करवा दीजिए ये भी लोगों के दिल जीतने का तरीका है मेरे भाइयों आज क्या होता है नहीं नहीं ये मेरा आदमी नहीं है ये मेरा दुश्मन है ये मेरा पड़ोसी नहीं है ये मुझे बहुत तंग करता है मैं फ़ला दिन इससे पैसा मांगा था नहीं दिया मैं इसका काम नहीं कराता मेरे भाइयों दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए आप काम करा दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी और ख़ुश हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया ख़ैरनासा लन्नास तुम लोगों में सबसे बेहतरीन लोग वो है जो लोगों के काम आते हैं लोगों का फ़ायदा करते हैं अपने अपने काम से अपनी नेकी से अपने मनसब से लोगों का फ़ायदा करवा देते हैं अगर आपकी बात से किसी का फ़ायदा हो जाए उसका काम करवा दीजिए आप किसी मनसब पर फाइज हैं उस मनसब के ज़रिए से आपका काम हो जा रहा है किसी का काम हो जा रहा है काम करवा दीजिए मेरे भाइयों ये भी लोगों का दिल जीतने का तरीक़ा है एक नुस्खा है लोगों का दिल जीतने का एक नुस्खा ये भी है वो क्या है कि आप जो है याद रखिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इंसान इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है जब इंसान दुनिया के अंदर कोई पेड़ और पौधा लगाता है और उस पेड़ और पौधे से कोई चरिंद परिंद या इंसान फ़ायदा उठाता है तो पेड़ और पौधा लगाना भी सदका है नेकी है सदक़े में शुमार होता है अल्लाह के नबी ने शांत फरमाया मन जरा जिसने कोई पौधा लगाया किसी ने कोई दरख्त लगाया और उस दरख के सा में कोई आराम करता है या उस दरख्त से या उस पेड़ पौधे से अगर कोई चरिंद परिंद फ़ायदा उठाता है तो ये भी सदके में शुमार होगा ये हमारे इस्लाम ने सिखाया मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम है आज लोग बोलते हैं पेड़ पौधा लगाओ ये होगा वो होगा चौदह सौ बरस पहले ही इस्लाम ने कह दिया कि अगर तुम इस अगर तुम पेड़ पौधा लगाते हो तो ये नेकी है सदक़े में शुमार होगा इसलिए कि उस पेड़ पौधे से लोग फायदा उठाएंगे चरिंद परिंद फायदा उठाएंगे और इस्लाम ने चरिंद और परिंद का भी ख्याल रखा है मेरे भाई जानवर का भी ख्याल रखा है इंसानों का ख्याल तो दूर की बात इंसानों का ख्याल तो पूछना ही नहीं चरिंद परिंद का भी ख्याल इस्लाम ने रखा है और लोगों का दिल जीतने का तरीक़ा एक ये भी है कि आप लोगों के मामलत में नरमी पैदा करें अल्लाह के नबी को ख़िताब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फ़रमाया था फ़बीमा और मीन तहम ए नबी हमने आपके दिल में नरमी पैदा की है अगर आप नरम ना होते सख्त मिजाज होते गलीज़ अल कल्ब, आपका दिल सख्त होता तो लनफज्जु मिनहलिक आपके इर्द गिर्द आपके साथी ना होते आपके करीब लोग ना आते आपका साथ ना देते सहाब कराम का मजमा ना बनता लेकिन आपके दिल में अल्लाह ने नरमी पैदा की है और नरमी की वजह से आपके साथी बनते गए साहब कराम का मजमा बनता गया सहब कराम आपके पास बैठने लगे इतनी बड़ी जमात आपके नरमी की वजह से बनी है आज देख लीजिए अगर कोई आदमी सख्त मिजाज का है गुस्से वाला है तो बड़े तो बड़े बच्चे भी उसके पास करीब नहीं जाते डर के मारे नहीं जाते अल्लाह आलमीन ने बयान फरमाया नरम बनिए नरम नरमी रखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अरे क्या डर गए उससे क्या अरे उससे तुम डर गए क्या हमारे पास किस चीज़ की कमी है डरे नहीं है हमारे नबी भी डरते नहीं थे लेकिन नरमी इसलिए रखते थे कि हमारे रब्बुलमीन ने अल्लाह ने नरमी सिखाई है कि नरम बनोगे तो जो आपका दुश्मन होगा वो भी दोस्त में तब्दील हो जाएगा आपका जानी दुश्मन भी आपका एक दिन दोस्त बन जाएगा आज आपका दुश्मन है आपके पीछे पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप उसके तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे नरमी इख्तियार करेंगे तो वो फतह मक्का वाला दिन भी आ जा सकता है मेरे भाइयों इसीलिए नरम बनिए और एक चीज़ और याद रखिए हम कारोबार करते हैं तिजारत करते हैं ना अल्लाह रब के नबी ने बयान फरमा जब आप किसी से कोई सामान खरीदिए तो नरमी के साथ बेचिए तो नरमी के साथ और किसी से तकादा कीजिए पैसा मांगिए कर्ज़ मांगिए तो नरमी के साथ याद रखिए ये तमाम चीज़ों में नरमी अल्लाह के ने हमें तालीम दी है बताई है कि अगर लोगों का दिल जीतना है लोगों का महबूब बनना है और समाज और माशरे में एक अच्छा इंसान बनना है तो नरमी पैदा कीजिए लोगों के साथ अच्छा मामला कीजिए ये तमाम चीज़ें थीं मेरे भाइयों जो मुझे बताना था आज के खुतब जुमा में कि लोगों का दिल हम कैसे जीत सकते हैं लिहाजा इसका ख़्याल रखें अल्लाह रब्लम से दुआ है कि रबालमीन हम तमाम लोगों को हम तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत की तालीम को सीखने की तोफ़ी अदा फरमा हमारे दरमियान मोहब्बत को पैदा करने की तोफ़ी अदा फरमा दे रबालमी रबालमी हमारे अख्तलाफात को ख़त्म कर दे रबालमीन हमारे दुश्मनी को ख़त्म कर दे रबालमीन हमारे समाज के अंदर हमारे समाज को एक बेहतरीन समाज बना दे रबालमीन हम तमाम लोगों को अपने मुसलमान भाइयों से प्यार और महब्बत के साथ खंद पेशानी के साथ और नरमी के साथ तमाम मामले को अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमा आमी يا رب العالمين